फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है अश्विन वैष्णव, जानिए इनके बारे में जिन्हें पीएम मोदी ने दिया रेल और आईटी जैसा अहम मंत्रालय। चलो देखते हैं और पता करते हैं इनके बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्चुअल बैठक में वैसे तो सारे मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा उत्सुकता रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को लेकर है। आज दिन भर ये नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, लोग ये पता लगाते रहे कि आखिर अश्विनी वैष्णव है कौन और अचानक उनको इतने महत्वपूर्ण महकमे कैसे मिल गए। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स अचानक बढ़ने लगे। अश्विनी वैष्णव के बारे में सवाल सब पूछ रहे हैं लेकिन जवाब सबके पास नहीं है। मोदी के पास मंत्री तो 77 हैं, लेकिन चर्चा एक मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे ज्यादा है और वजह यह है। 60-70 साल में आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे जो उस तबके के बारे में सोचेंगे और उस तबके को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तबके को मजबूत बनाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। आप कहते हैं ये बजट अमीरों का है, पूरे देश को बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, कहीं गिनती गिनाते हैं 2×2=4। शायद आपको अपना कार्यकाल याद आ रहा था। आपका स्वभाव ऐसा है, आपके संस्कार की बात है। आपके नेता चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, हमारे नेता संघर्ष के साथ उठ के आए। मोदी जी, आपके नेता को डिस्कवरी ऑफ इंडिया करनी पड़ी थी, हम तो उन्हीं गांवों में पैदा हुए जिसकी डिस्कवरी आपको करनी पड़ती है। आप कांग्रेस, आप अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते रहे। हमने सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी ने ये मंत्र दिया, उस मंत्र पे हम चलते हैं। अश्विनी वैष्णव ने ये बातें संसद में कही थी, उस वक्त भले ही किसी ने नोटिस ना किया हो, मोदी ने जरूर ध्यान दिया था, उसी वक्त नोटिस किया था। मोदी को पता है अश्विनी वैष्णव के डायलॉग भी दमदार होते हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी शानदार होती है। किसी जमाने में कलेक्टर रहे अश्विनी वैष्णव, जब नेता बने तो मोदी ने बहुत क्लोजली उन्हें मॉनिटर किया। अश्विनी वैष्णव ने समय समय पर कांग्रेस को भी लपेटा, इतिहास भूगोल भी बताया और अपनी सियासी स्पीच में राहुल को भी नहीं छोड़ा। आपके नेता कहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा, आपके नेता कहते थे अक्साई चीन में क्या है, वहां घास का पत्ता भी नहीं उगता। हमारे नेता मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, दुश्मन को दांतों तले उनको चने चबवा दिए। आपने 70 साल में रेगुलेशंस का मकर जाल बना के रखा। अश्विनी वैष्णव कौन है, क्या है, ये सब तो आप जान चुके हैं, मगर मोदी के वैष्णव को समझने के लिए आपको इनकी बातें सुननी होंगी, इनके दिमाग में झांकना होगा। अश्विनी वैष्णव दिखते शांत शांत हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर विरोधी भी हक्के बक्के रह जाते हैं। एक और सैंपल देखिए। केवल नारे दिए जाते थे गरीबी हटाओ, क्या उसी नारों के आज हमारे एस्पिरेशंस क्या वही रह गए? क्या इतने कमी रह गई कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे जब कहीं पे जाऊं किसी की चाकरी करूं, किसी के पांव दबाऊं, किसी की चमचागिरी करूं, मुझे कुछ हल्का फुल्का कुछ मिल जाए? नहीं साहब, वो एस्पिरेशंस नहीं है। अभी हमारी जनरेशन को जो कॉन्फिडेंस आया कि हम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोदी की कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला तो यूं ही नहीं मिला, उन्हें नया सिपहसालार बनाया गया। तो इसके पीछे भी एक वजह है, अश्विनी वैष्णव की बातें विरोधियों पर चाबुक की तरह चोट करती हैं। मोदी को ये बात पता है। गरीब को वोट बैंक नहीं माना जा रहा है, गरीब आज वोट बैंक नहीं है। गरीब समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हम पहुंचने की एक तमन्ना रखते हैं, शक्ति रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तपस्या है कि हर गरीब तक उसकी जिंदगी में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाया जाए। रिच बायोडेटा वाले अश्विनी वैष्णव का काम तो बोलता ही है, मगर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सबको धराशायी कर देते हैं। एक और सैंपल देखिए। मैं आईटी से आता हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है डेटा की टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 5 साल में व्यवस्था में क्या एक बड़ा परिवर्तन आया है? एक सोच जो पहले से अलग थी, उस सोच का क्या एक कंस्ट्रक्ट है?
चाहे आप आयुष्मान स्कीम लीजिए, चाहे आप जनधन लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला लीजिए, ये सारी की सारी जो स्कीमें हैं, महोदय जब मैं कलेक्टर था 70-75 स्कीमें ऐसी होती थी जिसका कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता था। एक स्कीम हुआ करती थी IRDP, हम लोग हंसते थे कि इतना रुपया डुबोना पड़ेगा। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में कुछ अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल हैं, मगर अश्विनी वैष्णव की अपॉइंटमेंट पूरी तरह टैलेंट बेस्ड है। अश्विनी वैष्णव और बीजेपी का रिश्ता पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही है, जब वो वाजपेयी जी के निजी सचिव हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अश्विनी वैष्णव ने कई बार अटल जी की बात करते करते देश को बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नींव रखी, मोदी उस पर नई इमारत खड़ी कर रहे हैं। अटल जी ने सड़कें बनाई, लोग कहते हैं सड़कों से बहुत अच्छे चलने की सुविधा हुई। नहीं साहब, मैं नहीं कहता हूँ वो चलने की सुविधा महोदय केवल एक चीज थी। आज हम इस जनरेशन को आज एक कॉन्फिडेंस है, बड़े से बड़े काम हो, चाहे वो हाई स्पीड रेल हो, चाहे पूरे रेलवे को सुधार करना हो, चाहे पावर हर जगह तक पहुंचाना हो, हर घर जल करना हो, वो आज हमको कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि एक सिंसियर अटेम्प्ट हो रहा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें गरीबों के लिए एक सेफ्टी नेट बन रहा है। आज आप पॉलिटिकल विश्लेषण जैसे भी करना चाहे, मुझे तो नहीं आता पॉलिटिकल विश्लेषण। मैंने जितना लोगों से पूछा, जन साधारण को आप पूछिए, गरीब से गरीब आदमी को पूछिए, कहते हैं कि मोदी जी ने जो काम किया उसका फायदा हमको मिले ना मिले, हमारी अगली कई जनरेशन को मिलेगा। आप किसी से पूछिए, मैंने पर्सनली कम से कम 150 लोगों से पूछा है, लोग कहते हैं कि उसका अगला कई जनरेशन तक बेनिफिट मिलेगा। हम मोदी और अश्विनी वैष्णव की पर्सनल केमिस्ट्री की बात आगे करेंगे, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के Day 1 का जिक्र भी करेंगे। मगर उससे पहले एक और बात, मोदी के नए मंत्री सख्त तो हैं ही, वो पान के भी शौकीन हैं और सदन में भी स्पीच के दौरान चुटकी भी जबरदस्त लेते हैं। आजकल सदन में डॉक्टरों की बड़ी चर्चा है, कोई ICU में ले जाता है, कोई वेंटिलेटर की बात करता है, शायद कोरोना का कहीं से इफेक्ट आ रहा है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आपका डायग्नोसिस भी गलत है और आपका इलाज भी गलत है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर भी सही है, डायग्नोसिस भी सही है और इलाज भी सही है। अश्विनी वैष्णव के ऑडियो वीडियो से इतना तो क्लियर है कि वो किस मिजाज के हैं। हम उनके कुछ और वीडियोस आपको दिखाते हैं, उनकी कुछ और बातें आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले आज की बात कर लेते हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, देश के IT मिनिस्टर की कुर्सी संभाल चुके हैं। कुर्सी संभालते ही अश्विनी वैष्णव एक्शन मोड में भी आ गए हैं, संचार मंत्री होने के नाते सरकारी कार्यक्रमों के ट्वीट करने लगे। इस बीच दो इंटरेस्टिंग बातें भी हुई, पहली ये कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद 24 घंटों के भीतर ट्विटर पर अश्विनी वैष्णव के फॉलोअर्स की संख्या करीब 5 गुना बढ़ गई, और दूसरी ये कि कुर्सी संभालते ही ट्विटर को नए IT मिनिस्टर ने सीधे चेतावनी दे दी, यानी अब असली गेम शुरू हो चुका है। मोदी के IT मिनिस्टर कुर्सी संभालते ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे हैं और ट्विटर को बैक फुट पर जाना पड़ा है। सर, आपने IT का जो कार्यभार संभाला है, ट्विटर के साथ लैंड ऑफ द लॉ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? मेरे हिसाब से भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपनी है, सबको देश का कानून मानना ही चाहिए और मानना ही। कैमरे पर अश्विनी वैष्णव की बातें शॉर्ट होती हैं, लेकिन डायरेक्ट होती हैं। मैसेज पहुंचाना उन्हें अच्छी तरह आता है, इसके पीछे उनका प्रशासनिक एक्सपीरियंस है। IAS अधिकारी रहते हुए अश्विनी वैष्णव ने कई शानदार काम किए, जिसमें एक था ओडिशा के बालासोर में आए समुद्री तूफान के दौरान राहत पहुंचाना। वो यहीं से चर्चा में आए और बाद में मोदी की नजर उन पर पड़ी। अश्विनी वैष्णव की कार्य कुशलता ने पहले पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को प्रभावित किया और वो उन्हें अपने PMO में ले आए। इस दौरान वैष्णव का संपर्क नरेंद्र मोदी से हुआ। 2004 में वाजपेयी सरकार की हार के बाद वैष्णव ने IAS से इस्तीफा दिया। कुछ समय तक वो पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े रहे और बाद में अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी उनका मन नहीं लगा और वो भारत लौट आए। इसके बाद वो ओडिशा सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहकार बने। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी वैष्णव का उनसे संपर्क बना रहा। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये संपर्क कायम रहा और बाद में वैष्णव की कार्यशैली से प्रभावित होकर मोदी उन्हें 2 साल पहले राज्यसभा में लेकर आए।
बतौर आईटी मिनिस्टर पहले दिन ही अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मगर उनके पास एक दूसरा बड़ा मंत्रालय रेलवे भी है और इसके लिए भी अश्विनी वैष्णव ने पहले दिन ही एजेंडा सेट कर दिया है। आपने एमएनसी भी संभाली है, वॉटन से एमबीए किया है, आईआईटी की पढ़ाई की है, रेलवे भी आपके पास है, तो रेलवे में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? रेलवे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, उस विजन को इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है, उस काम को आगे ले जाना है। प्रायोरिटी क्या होगी? सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी, मॉडर्नाइजेशन रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा क्या चेंज आता है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इस वक्त और टेक्नोक्रेट विद वाइड सीवी वाले अश्विनी वैष्णव के बारे में हर छोटी छोटी बात ट्रेंड कर रही है। उदाहरण के तौर पर जब मोदी और अमित शाह उन्हें राज्यसभा में लेकर आने वाले थे तब बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने उनका समर्थन किया था। राज्यसभा के चुनाव के ठीक 6 दिन पहले अश्विनी वैष्णव बीजेपी में शामिल हुए और ठीक 2 साल बाद वो मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य बन गए हैं। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे अश्विनी वैष्णव की काबिलियत के साथ साथ किसी भी मुद्दे पर राय रखने की उनकी क्षमता है, इसलिए सब उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। वो जमाने गए जब हम सोचते थे कि हमारे पास अथाह संसाधन रहेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे, वो जमाने गए। अश्विनी वैष्णव के बारे में सार्वजनिक तौर पर जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं वो बहुत कम है। मोदी के नए रेल मंत्री के कैलिबर को समझना है तो आपको उनके पुराने भाषण का वो हिस्सा सुनना होगा जिसमें वो बिल्कुल अनोखे अंदाज में रेलगाड़ी और जीडीपी की तुलना करके बहुत ही कम समय में सब कुछ क्लियरली बता देते हैं। जब जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक होता है उस इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। जीडीपी हम सब जानते हैं 4 इंजन से चलती है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी में साधारणतया 1 इंजन होता है, जीडीपी की रेलगाड़ी में 4 इंजन है। उन 4 इंजन में से अगर 1 इंजन वीक होता है तो दूसरे इंजन को उसका लोड लेना पड़ता है। तो इस बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो वीकनेस है उसको पूरा करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ावा दिया गया है। और ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, राज्यसभा में बतौर सांसद अश्विनी वैष्णव ने जब जब अपनी बात रखी उन्होंने सॉलिड तर्क भी दिए और विरोधियों पर जबरदस्त कटाक्ष भी किए। वी न्यू दैट यस देयर इज अ प्रॉब्लम बट डिड वी डू एनीथिंग अबाउट दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स दैट सिस्टम वॉज गोइंग ऑन, वो व्यवस्था चली आ रही थी कई कई दशकों से। हमने क्या किया उस पे? क्या हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी? क्या हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी? हमारे पास सारे साधन थे, हमारे पास एक एक तरीके थे, कई तरीके थे काम करने के, बट वी डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल विल। व्हाट वाज लैकिंग वाज सीरियस पॉलिटिकल विल टू एक्चुअली हेल्प द लास्ट मैन, द लास्ट वुमन एट द एंड ऑफ द सोसाइटी। नोबडी हैड द courage to take on the giant of corruption. It was written about it. Shrilal Shukla, Raag Darbari. It became a very famous TV show also. This book got a Sahitya Academy Puraskar. What does he write? It's not about a vyang katha. Raag Darbari एक व्यंग कथा नहीं है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। ये उसी जिंदगी का दस्तावेज है। उसी दस्तावेज को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधार के माध्यम से बदलने की एक इच्छा जाहिर की, उसको इंप्लीमेंट किया, उसको एग्जीक्यूट किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार पहले दिन से अटैकिंग मोड में काम कर रही है। 2019 के इसी भाषण में अश्विनी वैष्णव ने पॉलिटिकल विल के बाद एक्शन की बात कही, डंके की चोट पर कही और विरोधी चुपचाप उन्हें सुनते रहे। मैं उड़ीसा से आता हूँ, उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस हाउस में। उड़ीसा मेरी कर्मभूमि है, बड़ी सुंदर भाषा है उड़िया भाषा। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने यह भाषा दी थी। बाकी सब जगह भाषा हम मानवीय हमने तैयार की अपनी अपनी भाषा, लेकिन उड़िया भाषा भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को दी। इस भाषा में हजारों वर्षों का जो गुण समाहित है, जो विजडम है, उस विजडम की एक छोटी सी मैं, जिसको उड़ीसा में कहते हैं ढगो यानी मुहावरा, उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। खजूरी गच्छोरों की गुणों गाइबी,
मुणरू पहुंचो पहुंचो, मतलब खजूर का जो पेड़ है उसका मैं क्या वर्णन करूं, जमीन से लेके ऊपर तक उसके खूब सारे स्केल्स हैं जो काटते हैं। अगर आप खजूर के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे, हाथ कटेगा, पांव कटेगा, शरीर, अगर आपने कपड़े नहीं पहने हुए तो शरीर पे भी कट लगेगा। मैं कट मने की बात नहीं कर रहा हूं महोदय, मैं कट की बात कर रहा हूं। तो एक व्यवस्था एक ऐसी बन गई थी जिसमें साइंस और आर्ट को मिला के किस तरह से गरीबों को दुहा जाए, उनके नाम पे पैसा कहां से कहां पहुंचे, कौन उसके भागीदार बने, उस तरह की एक व्यवस्था को बदलने का जो ये बहुत अच्छा प्रयास है। एक लाइन में कहें तो मोदी ने बहुत सोच समझकर अश्विनी वैष्णव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके ऑडियो वीडियो से इतना तो क्लियर है कि मोदी विरोधियों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आने वाले दिनों में बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और मोदी के मंत्री की बातों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था जिसमें उनकी सारी क्लिपिंग्स खींचकर क्या उन्होंने स्पीचेस और क्या बोला है वो सब दिखाया, जिससे पता चले कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके थॉट्स क्या है। और मुझे तो काफी लगा कि बहुत ही लर्नेड और समझदार इंसान है, और जैसे और प्रूफ की क्या जरूरत है, आईएएस के ऑफिसर हैं और यूएसए में भी पढ़े हुए हैं, सब है। और ये भी बताया कि यूएसए गए, पसंद नहीं आया, फिर वापस इंडिया ही आ गए। तो वही है, अपनी देश से तो प्यार जिसको होगा वो इवेंचुअली कभी ना कभी वापस तो आएगा ही आएगा। और मुझे यही लगा कि भैया देखो, मोदी जी जो हैं वो देखते रहते हैं सबको, और जिसमें जिनका उनको लगता है कि वाकई ये जो इंसान है इसमें कुछ करने की है, ये कुछ कर सकता है कंट्री के लिए, जो मेरी ड्रीम्स है उसमें हेल्प कर सकता है, तो वो इमेटीरियल कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो, क्या आपका पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नहीं है, या कुछ क्या आपके खानदान पॉलिटिशियंस का था क्या नहीं, उसको देखो कोई उन्होंने वो नहीं देखा। और इमीडिएटली जो बंदा लगा उनको कि ये डिजर्व करता है उसको उन्होंने चुना और वो पोजीशन उसको दी। तो देख के बहुत अच्छा लगा और उसे पता चल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये वाकई डिजर्विंग लोगों को जो है उनको चुन रही है और उनको प्रॉपर प्लेसेस जहां पे उनको लग रहा है कि वहां वो अच्छा काम करके कुछ कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको वो पोजीशन दे रही है। फैंटास्टिक, तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि देखिए इसका मतलब ये है कि आईएएस ऑफिसर जो है चाहे तो वहां से निकल कर एक मिनिस्टर भी बन सकता है। पहले आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने काम किया, उसका देख समय उन्होंने बोले क्विट किया वहां से और वो पॉलिटिक्स में आ गए हेल्प करते हुए। तो काफी अच्छा था और बात सही है कि मोदी जी ने देखा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, जिनके पास सही आप कह लीजिए नॉलेज भी है, जैसे कह रहे हैं थोड़ी नॉलेज भी है, उनको इंटेलिजेंट भी है, और जो उनको पोर्टफोलियो दे रहे हैं उसमें वो कुछ कर पाएंगे, उसके आपसे मोदी जी ने देखा। और काफी समय से जैसे कह रहे हैं मोदी जी ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको लगा कि ये जो है ये ठीक राह पे जा रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने लीडर को। जितनी भी स्पीच थी उन्होंने मोदी जी को अप्रिशिएट किया था। तो पहले जो भी लीडर होता है उसे वो चाहिए जो उनके साथ है, राइट? पहले जो भी लीडर है वो कहेगा कि मेरे को वो साथी चाहिए, साथी जो मेरा साथ दें, जो जैसे मैं बिलीव करता हूं वो भी उसी चीज में बिलीव करते हो, तभी गाड़ी आगे चलती है। तभी तो बोलते हैं कि फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स का मतलब वो एग्री करते हैं जो उनके लीडर का की सोच है। तो बोलते हैं मेरी लीडर की सोच ऐसी है और मेरी भी सोच ऐसी, तो मैं इनके साथ चल सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सोच हमारी एक ही है। तो काफी अच्छा वीडियो था, काफी इन्होंने बहुत कवर किया था उनके अचीवमेंट्स के बारे में कि वो एक झटके से ऐसे मिनिस्टर नहीं बन गए, काफी समय से उनकी चल रही थी जितनी भी मेहनत है, और हर जगह पे जबरदस्त स्पीचेस थे, प्रिपेयर्ड थे और नॉलेजेबल थे, उसकी वजह से उनको यहां तक पहुंचे। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।